अभी कुछ समय पहले मैंने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर। हमने जो इजी क्वेश्चन अभी कंपाउंड इंटरेस्ट के किए थे और सिंपल इंटरेस्ट का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल किया था, क्योंकि वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के बन गया, आपको सिंपल इंटरेस्ट करने में आप बहुत इजीली बन जाएगा। तो हम एक काम करते, सबसे पहले एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट से रिवाइज करते हैं जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा। वो क्वेश्चन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, प्रिंसिपल हमारे पास 20,000 रुपीज था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था और टाइम जो था 3 इयर्स था और कंपाउंडेड एनुअली। अब आप इसमें एक चीज देखिए, जब हम कंपाउंडेड एनुअली जब हमने यहाँ पे लिखा, इसका मतलब जो हमारी डील हुई है उधारी देने वाले से या लेने वाले से, तो उसने हमारे सामने ये शर्त रखी है कि हमें कम से कम प्रति वर्ष आके ब्याज तो आप दे ही जाना, अगर वो नहीं दोगे तो चक्रवृद्धि लग जाएगा और जब वो लग जाएगा तो आपको ज्यादा पैसा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, सबसे पहले अगर हमें कंपाउंड की छोटी चीजें, सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज ही देखते हैं। 10% कितना होगा एक साल के लिए, 2,000 रुपए, दूसरे साल के लिए भी 2,000 रुपए और तीसरे वर्ष के लिए भी 2,000 रुपए। अब इसमें हमसे ये कहा गया है कि क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कराना, क्योंकि हमने ये समय से पेमेंट मान लीजिए नहीं किया, किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट लगना है ये मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ईयर में हमको 2,000 ही पे करना था, क्योंकि इसके पहले जो अमाउंट था वो 20,000 था और वो प्रिंसिपल अमाउंट था। ठीक है, तो हमें इसके सिवाय और कुछ भी नहीं पे करना है फर्स्ट ईयर के बाद। लेकिन जब हम सेकेंड ईयर पे चलते हैं, हमें फिर से 2,000 रुपीज सेकेंड ईयर का बनता है और थर्ड ईयर का भी 2,000 तो बनता है। ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। अब हम एक चीज देखते हैं इसमें, क्या हमने पहले साल का पैसा दिया उसे 2,000? नहीं दिया। जब उसे दिया नहीं तो इसका ब्याज कितना, 10%, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया। अगर यहाँ 5% होता तो हम इसका 5% निकाल के लिख देते, चलिए ठीक है इसका 10% हुआ, तो 2,000 रुपए का 10% 200 रुपए हो गया। फिर और कुछ तो नहीं है सेकेंड ईयर के बाद में, कुछ नहीं है। थर्ड ईयर में चलते हम, जब हमने थर्ड ईयर में देखा तो 2,000 रुपए ये तो देना है हमें, ये 20,000 का इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। क्या हमने ये वाला 2,000 दिया है? नहीं दिया, तो हमको इसका भी ब्याज देना होगा कितना, 10% देना है, तो कितना हो गया ये 200 रुपीज। क्या हमने ये सेकेंड ईयर का 2,000 रुपीज दिया? हमने ये भी नहीं दिया, इसका भी ब्याज दो 200 रुपए। क्या आपने ये 200 रुपए दिया? ये भी तो सेकेंड ईयर में जुड़ गया था, आपने ये भी तो नहीं दिया, तो इसका भी 10% लगेगा, तो कितना हो गया 20 रुपए। 20 रुपए हुआ। अब इन सारी वैल्यूज को उठा के अगर आप प्लस कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज हम इसमें आप समझने की कोशिश करते हैं, 2,000 रुपीज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में 2,200, थर्ड ईयर में 2,200 और रुपीज 20 टोटल जब हमने किया तो ये आ गया 6,620। ये हमारा आंसर आ गया, क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए यहां पे, क्योंकि ये सबसे पहले हमने कैलकुलेट क्या किया था, साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट, तो इसे SI हमने एक ही बार में SI निकाल दिया। जब हम इन वैल्यूज को देखेंगे, इन वैल्यूज को इस, ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट,
कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट अलग कर देंगे तो ये बन गया, तो ये होगी इसकी वैल्यू। और ये अगर ये जो बड़ा रेक्टेंगल हम देख रहे हैं, ये बड़ा रेक्टेंगल हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए हमने एक भी फॉर्मूले को कहीं पे भी यूज नहीं किया है, उसके बाद भी हमने बहुत इजीली बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लिया है, और उसने सिर्फ हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा था, लेकिन हमने वो एस आई भी निकाल लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल लिया, और डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई वो भी निकाल लिया। ये ज्यादा बेनिफिशियल है, क्यों उसमें टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाला तो एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सबसे बन जाता है, लेकिन हमें करना ऐसा है, ये मेरा मकसद था इसको एक्सप्लेन करने का, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिफिकल्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं, क्योंकि ये थ्री इयर्स का था, ये इजी पढ़ रहा था, अभी ढाई साल का जाएगा थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्रिएट करते। कंपाउंडेड एनुअली के बदले में अगर वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो जाए, कंपाउंडेड फोर मंथली हो जाए, या कंपाउंडेड थ्री मंथली हो जाए, तो हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगे। फिर क्या करेंगे, देखिए क्या बनता है, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, और इसको जब हम चेंज करेंगे तो उसके लिए हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी इस क्वेश्चन के लिए तो कम से कम सेम लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चेंज करेंगे। रेट है 10%, टाइम हो गया 2/1/2 years। अब यहाँ पे हाफ जो टाइम हाफ ईयर्स में गया है, अब यहाँ पे हमें कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि अगर हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो n के बदले 2/1/2 आएगा, और इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ये सब पावर में 2/1/2 चले जाएगा, तो हमें काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है, लेकिन हम कितना सोचेंगे भी नहीं, पहला फॉर्मूले क्या करना है हमें, ठीक है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। एक काम करिए, और यहाँ पे एक कंडीशन और है, कंपाउंड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली मतलब यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है अपन को, वो बोला है कि ब्याज को प्रति वर्ष संयोजित किया जाना है, ठीक है। अब देखिए अगर हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के बाद हमें 10% 20,000 का 10% देना था, दैट इज 2,000 rupees। सेकेंड ईयर के बाद में हमें अगेन 2,000 rupees देना था, अगर हमने फर्स्ट ईयर का समय पे कर दिया होता। और थर्ड ईयर नहीं होगा, ये होगा थर्ड इंटरवल, और ये जो थर्ड इंटरवल होगा वो हाफ ईयर का होगा, 6 महीने का, क्यों, क्योंकि हमें 2.5 साल का बोला गया है। अगर हमें 2.5 साल के लिए हम पैसा यूज कर रहे हैं, हम पूरा 3 साल का ब्याज में देंगे, कोई मतलब ही नहीं है देने का, ठीक है। तो 2.5 years के बाद, आफ्टर 2.5 years, अगर आपने टाइमली पेमेंट किया होता तो आपको 1,000 rupees देना था, क्यों, क्योंकि एक साल का 2,000 दे रहे हैं, तो हमने तो आधा साल यूज किया, आधे पैसा आधा इंटरेस्ट देंगे, पूरा इंटरेस्ट क्यों देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे समझने की एक बार कोशिश करिएगा, फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट था या जो मूलधन था, उसके सिवाय हमें और कोई लाइबिलिटी थी क्या, हमारे पास कोई लाइबिलिटी नहीं थी, हमें और कुछ पे नहीं करना था, सिर्फ एक चीज पे करना था, वो था 20,000 rupees का इंटरेस्ट, एडिशनल कुछ भी नहीं था। तो हमने जो 22,000 rupees लिखा है, इसका 10%, ये तो एज इट इज लिखे जाने देते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट से लगता है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट से इस वजह से लगा क्योंकि हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टाइमली पे नहीं करी,
तो उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग गया तो कितना परसेंट आपको देना होगा? 10%। किसका? 2000 का, जो आपको पहले देना था लेकिन आपने नहीं दिया, किसी वजह से नहीं दे पाए, 200 ये हुआ। अब देखिए थर्ड ईयर की जब हम बात करते हैं, क्या हमने 2000 रुपीज दिया है? अभी नहीं दिया, तो इसका भी हम 10% लेंगे ना, इसका 10% 200 रुपए हो जाएगा। लेकिन क्या हम इसको पूरा एक साल यूज कर रहे हैं? नहीं कर रहे, हम इसे आधा साल यूज कर रहे हैं, तो पूरा ब्याज में लेंगे। सिमिलरली ये 2000 अपन ने दिया, नहीं दिया, तो इसका भी 10% 200, इसको भी तो हम हाफ ईयरली यूज कर रहे हैं, पूरा यूज थोड़ी ना कर रहे हैं, आधा ब्याज देंगे। और 200 रुपीज क्या ये दिया है? ये भी तो नहीं दिया आपने, तो क्या करेंगे? 20 रुपए हो जाएगा इसका 10%। लेकिन क्या हम इसको पूरा मंथ यूज, पूरे ईयर यूज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, हाफ कर रहे हो, हाफ कर देते हैं। अब देखिए ये हो गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, ये आ गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, और ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है ये आ गया हमारा